ऑल J&k यूथ फेडरेशन की तरफ से अपनी सपोर्ट यहाँ पे देता हूँ इस टीचर्स के लिए। हमारी जो तमाम आवाम है हमारा पूरा यूथ के साथ चलेगा, प्रोटेस्ट के साथ चलेगा। हमने पहले भी फेडरेशन की तरफ से चार पांच स्टेटमेंट दी है, हम सरकार के हाथी लगाते रहे हैं कि हमारे यहाँ SSA टीचर्स को जो उनका मुआवजा बनता है, जो उनकी सैलरी बनती है, वो सब मिलना चाहिए। हम आगे भी हमने आश्वासन दिया है, मेरा इनसे बात हुई है प्रधान साहब से, इनसे उन्होंने आश्वासन दिया है आपका कभी भी जो भी प्रोटेस्ट होगा और J&k यूथ फेडरेशन आपके साथ खड़ी है, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो चाहे कोई भी मौसम हो, हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने आज इतना बड़ा धरना यहाँ किया है, पूरे राज्य से यहाँ पे टीचर्स आए हैं, यहाँ बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आप अपना ये धरना उठा यहाँ से निकाल के एक पद यात्रा करके गवर्नर हाउस में बाहर जाएं और वहाँ जाके हम प्रोटेस्ट करें। इसमें आपके साथ थोड़े जम्मू कश्मीर यूथ फेडरेशन के मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर और डेजिग्नेटेड मेंबर के साथ तमाम अमाम आपको सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत शर्मिंदगी की बात है जो मेरे को देखने आई, 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है। मैं एक वकील हूँ, मैं वकील से पहले कॉलेज स्टूडेंट था, उससे पहले एक स्कूल स्टूडेंट था। हमने वहाँ टीचर्स देखे हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, टीचर्स पूरी रात मेहनत करते हैं, वो हमारे पेपर जाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, और हमें बदले में क्या मिलता है, ये कि हम यहाँ पर आके धरने में बैठे हैं एक टीचर्स डे पे, जहाँ हमें टीचरों को एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट अपने टीचरों को। और उस दिन प्रेस क्लब जम्मू में आए हैं जहाँ पे SSA और रमसा के टीचर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। इनकी जो बेसिक डिमांड्स हैं वो ये हैं कि पहली बात तो इनकी ये है कि ये 7th पे कमीशन जो इन पर भी इंप्लीमेंट किया जाए, और दूसरी जो इनकी सैलरी है SSA वालों की वो MHRD से हटाई जाए। तो बड़ी दुख की बात है, यहाँ आके हमें पता चला कि इन पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है। आज इनका 9वां दिन है हंगर स्ट्राइक का, तो लाठीचार्ज किया गया। टीचर्स जो नेशन बिल्डर हैं, सबको बनाते हैं, हमको पढ़ा लिखा कर हम स्टेज पर पहुँचाते हैं, उन पर लाठीचार्ज की गई है। शर्मनाक बात है ये, हमारी फेडरेशन की तरफ से हमारा पूरा योगदान इनके साथ है, और जो पुलिस द्वारा या अथॉरिटीज़ द्वारा इन पर जो लाठीचार्ज हुई है हम उसको कंडेम करते हैं, और हमने इनको पूरा विश्वास दिलाया कि जहां भी होगा हम हमारी फेडरेशन और हम सब लोग इनके साथ खड़े हैं हमेशा। एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड ऑलमाइटी दैट आई गॉट ए चांस टू सर्व माई पीपल एंड कंट्रीब्यूट माई बिट। I am going with a lot of good feeling. My only concern is the youth who are dying and unnecessary loss of human life. The sooner it ends, it will be very good news for me.